हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके पास जो एमएक्स प्लेयर है उसमें बहुत सारे हिडन फीचर्स रहते हैं जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं। सब यही जानते हैं कि कैसे वॉल्यूम अप किया जाता है, डाउन किया जाता है, ब्राइटनेस कैसे बढ़ाई जाती है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो आपको बहुत यूज़फुल होते हैं जब वीडियो आप शो करते हो, तो ये आपको बहुत अच्छा जानने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और कमेंट भी करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। दोस्तों, अगर आप एमएक्स प्लेयर के थीम से बहुत परेशान हो गए हो, एक थीम से आप टायर्ड हो गए हो, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एमएक्स प्लेयर की थीम कैसे चेंज कर सकते हो। चलो सबसे पहले लाइट कॉर्नर में 3 डॉट है उस पर चले जाइए, उसमें सेटिंग पर क्लिक कर दो। सेटिंग में पहला ऑप्शन रहता है लिस्ट, लिस्ट पर ओके कर दीजिए। उसमें जो पहला थीम आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ वो आपको बहुत सारी थीम मिल जाएगी, आप जो भी चाहे वो आप अप्लाई कर सकते हो। उस पर क्लिक करके आप बैक चले जाइए सिंपली। तो देखो, मेरा ये एमएक्स के प्लेयर का जो थीम है वो पूरे का पूरा यह पिंक हो गया है। चलो दोस्तों, चलते हैं दूसरे फीचर्स की ओर। दूसरा फीचर्स क्या है, डबल टैप टू पुश और प्ले। ये कहाँ से होता है, ये राइट कॉर्नर में 3 कॉर्नर जो दिया गया है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग के बाद प्लेयर में चले जाइए। प्लेयर में आपको कंट्रोल दिया गया होगा, देखो यहाँ है, कंट्रोल पर क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल में यहाँ डबल टैप है इनटू ब्रैकेट प्ले और पुश, वो ऑन कर दीजिए। चेकबॉक्स ऑन किया, ओके। उस पे आपको रिज्यूम पे वो पूछेगी यस और नो करना है, आपको स्टार्ट टाइप रख दीजिए, उस पर कैंसिल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ये डबल टैप टू पुश और प्ले हो गया होगा। चलो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। कोई भी वीडियो आप प्ले कर दीजिए, ये प्ले कर दिया, डबल टैप किया जो पुश हो गया, डबल टैप किया प्ले हो गया, सॉरी। देखो चलो दोस्तों चलते हैं दूसरे नेक्स्ट फीचर की ओर। दूसरा फीचर्स क्या है कि आपके जो बटन का वॉल्यूम है वो आप कैसे 2 गुना कर सकते हो, यानी कि 2 टाइम बढ़ा सकते हो, वो कैसे, मैं चलो दिखाता हूँ। कि आपका एमएक्स प्लेयर है वो 15 या किसी का 13 कर सकते सपोर्ट करते हैं, और जो जिसका 15 हो वो 13 बढ़ सकता है, और 30 है वो 60 तक बढ़ सकता है। देखो ये आपके डिपेंड रहता है आपके कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। तो कैसे बढ़ाया जाता है, यहाँ राइट कॉर्नर पर क्लिक कर दीजिए, सेटिंग पे चले जाइए। सेटिंग में जो तीसरा ऑप्शन रहता है डिकोडर, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पहला जो आता है HW+ डिकोडर, उस पर ओके कर दीजिए। और यहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ ओके करके आप बाहर आ जाइए एमएक्स प्लेयर पर, ठीक है। अब कोई भी आपका जो भी एक वीडियो है वो आपको ओपन कर लीजिए, आपको जो भी करना है। मैं यहाँ से मेरा एक वीडियो ओपन करता हूँ, देखो ये ओपन हो गया। अब उसमें क्या है, उसका इंटरफेस यहाँ HW आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, सॉरी HW पर क्लिक किया, उस बाद HW+ डिकोडर लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखो आप यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम कितना आएगा, साथ में लाइक और कमेंट भी करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। अब 50 हो गया, 50 से 60 आप बढ़ा सकते हो। दूसरा फीचर्स बताऊं जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आपके स्क्रीन के जो बटन है उसको कैसे कस्टमाइज किया जाता है। सबसे पहले राइट कॉर्नर पर क्लिक कर दीजिए, उस पर आप डिस्प्ले में चले जाइए। डिस्प्ले में जो सेटिंग है उस पर चले जाइए। सेटिंग पर जो यहाँ यार प्रीसेट लिखा है उसमें डिफॉल्ट रहता है और इन्वर्स रहता है। डिफॉल्ट जो रहेगा तो आपका जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो आ जाएगी, और आपको चेंज करना है तो इन्वर्स कर दीजिए, ठीक है, इन्वर्स। आपको आपकी फ्रेम की जो एमएक्स प्लेयर की फ्रेम है वो कौन से कलर में आनी है, करनी है, वो आपको यहाँ से कर सकते हो, देखो, ठीक है। फिर आपका जो कंट्रोल्स होता है, जो आप यहाँ से वॉल्यूम कम करते हो, बढ़ाते हो, ब्राइटनेस चेंज करते हो, वो कैसा कलर में होना है यहाँ से आप कर सकते हो, ये कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आपका जो प्रोग्रेस बार नीचे दिखाया गया था कि कितना वीडियो अभी चला है, कितना बचा है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसका कलर यहाँ से आप बदल सकते हो, ठीक है। अब बैक चले जाइए,
तो देखो ये मेरा पूरा का पूरा जो वीडियो उसका इंटरफेस ऐसा मैंने जो 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 भी कलर एडजस्ट किया वो इसी तरह हो गए हैं, तो आप भी उसका कर सकते हो। काफी लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि ये हिडन फीचर्स एमएक्स प्लेयर ने दिया गया है। नेक्स्ट फीचर से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर से आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये फीचर्स आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आप चाइल्ड लॉक कैसे, ये चाइल्ड लॉक का फीचर से आप चाइल्ड लॉक कैसे यूज करते हैं, आप जब आपके छोटे घर में बच्चे होते हैं तो ये फोन में कहीं भी की प्रेस कर देते ताकि आपका फोन पूरा का पूरा खराब हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया फीचर है। देखो कैसे होता है, चाइल्ड लॉक कैसे लगाया जाता है। राइट में थ्री कॉलर है उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद डिस्प्ले पे चले जाइए। डिस्प्ले में से सेटिंग पे, सेटिंग में यहाँ बहुत सारे स्टाइल स्क्रीन है, कंट्रोल है, नेविगेशन है, टैक्स लेआउट, उस पर आप कंट्रोल पर चले जाइए। कंट्रोल में लॉक मोड है, उस पर लॉक लिखा हुआ, उस पर किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट। देखो इसमें क्या होता है कि आप ये किड्स लॉक कर देते हैं, उस पर जो टच इफेक्ट रहता है वो आपको एनिमेशन के जरिए आपको दिखाएगा। अब देखो ये लॉक कर दिया, अब मैं यहाँ से टच कोई भी कहीं भी करूँगा तो देखो ये एनिमेशन के रूप में ये आता रहता है। ये तुम ऑन नहीं कर सकते हो, और आपको ये लॉक अनलॉक करना है तो कैसे करते हैं, ये एंटी क्लॉक कॉर्नर पे आपका जो मोबाइल का चार कॉर्नर है उस पर ये एंटी क्लॉक पे आप क्लिक कर दिए सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखो ये लॉक फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देखो ये अनलॉक हो गया है ना, बहुत बढ़िया फीचर्स दोस्तों।